के लिए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब। रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रियाज साहब आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बलोचिस्तान की साहली पट्टी से तूफान शाहीन जो है वो टकरा जाएगा, मौसम कैसा होगा कुछ इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अभी फिलहाल तो वो मुकरे तकरीबन गवादर से 160 किलोमीटर दूर है, जनूब पे है और मुँह कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। अब इससे खासकर जो बलूचिस्तान के जो कोस्ट है जिसमें गवादर है, पर्सनी है, जीवनी है, वो उनमें जनरली मतलब जितना हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड हैवी फॉल की एक्टिविटी पॉसिबिलिटी है जो कल तक जो अंदर 24 घंटे हैं। अच्छा रियाज साहब ये बताइएगा ये ओमान की जानिब बढ़ रहा है तूफान? जी अभी तक जो इनकी डायरेक्शन एक्सपेक्टेड है वो ओमान साइड की तरफ है जो पाकिस्तानी साइड पे नहीं है। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा कि कराची के हवाले से क्या इतलात है मजीद बारिशों के हवाले से, और जैसा कि पहले भी बता दिया गया था कि कराची में अब तूफान का खतरा टल गया है। जी ऑलरेडी सिंध के जितने भी कोस्ट एरियाज हैं वो सारे ठीक है, उसमें बारिश की कोई सच जो टोरेंशियल रेन है उसकी कोई चांस नहीं है, अलबत्ता कुछ लाइट किस्म की एक्टिविटी पॉसिबिलिटी है ज्यादातर, लेकिन हेवी रेन या साइक्लोन वाला कोई सच कोई वहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है। रियाज साहब इस बार हमने देखा कि सिंध में मानसून खासा तूल पकड़ गया, तो आगे क्या मजीद इम्कान है मानसून बारिशों का या मानसून सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है? मानसून तो 30 को खत्म हो चुका है, हमारे से विड्रॉ हो चुका है, बस ये उनका आखिरी एक वो जा रही है बेसिकली, ये भी सी के अंदर ही है, पाकिस्तान के टेरिटरी में तो नहीं है, लेकिन यह कि ये क्योंकि आगे जो वक्त आ रहा है इसमें साइक्लोन की या जो डिप्रेशन है जो सी के अंदर बनते हैं वो वाला मानसून के बाद जो पोस्ट मानसून सीजन होता है उसमें वो ज्यादा बनते रहते हैं, तो वो किसी वक्त भी आगे भी दोबारा बन सकते एक्टिविटी लेके अरेबियन सी के अंदर या बे बंगाल या अरेबियन सी में, लेकिन ये है कि जो मानसूनिक एक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी। ठीक है रियाज साहब ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि हमने देखा कि इस बार जो मानसून की बारिशें हैं खसूसी तौर पर अगर सिंध की बात की जाए तो काफ़ी लेट शुरू हुई हैं, तो सर्दी के हवाले से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस बार सर्दियां भी थोड़ा देर से शुरू होंगी? सर्दी का जो अपना पीरियड है जो दिसंबर के एंड है, दिसंबर और जनवरी ये सर्दी के पीरियड है, इसमें शुरू होगी। वैसे ही टेम्परेचर तो ग्रेजुअली कम हो रही है, क्लाइमेटोलॉजिकली जो ट्रेंड होता है वो नॉर्मली टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन उनके साथ जो सल्ट्री टाइप या हीम टाइप वेदर है वो तो अपनी जगह पे फिलहाल रहेगी और न कोई इतनी जल्दी सर्दी आ सकती है। जो सर्दी होगी वो नवंबर के एंड या स्टार्ट होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।